पियानो की 70-80% प्रॉब्लम्स हम मिडिल लेवल पे फेस करते हैं। मिडिल लेवल से मेरा मतलब है इंटरमीडिएट लेवल पे फेस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ लैक करते हैं जिसे हम कहते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन हम लैक करते हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आज के इस वीडियो में पूरी डायरेक्शन दूंगा, मतलब पूरा सब कुछ सिखा नहीं दूंगा, लेकिन आपको एक गाइड दूंगा कि इंटरमीडिएट लेवल पे आपको पियानो को कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए। राइट, सो एक्साइटेड फॉर दिस, सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश कुटावाला फ्रॉम पिक सीरीज, प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। तो इंटरमीडिएट लेवल की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने राइट हैंड को कंप्लीट कर लिया। जब हम लेफ्ट हैंड को इंट्रोड्यूस करते हैं उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट लेवल। तो आपको लग रहा है कि एडवांस लेवल क्या होता है, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल को पहले समझते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है इंटरमीडिएट लेवल पे, जो कि आपको सीखना होता है, मतलब आप इस फॉर्मेट में सीखिए और मैं आपको बताऊंगा कैसे सीखना है, ठीक है। कुछ कुछ लेसन भी आज आपको मैं दूंगा कि किस तरीके से आपको इंटरमीडिएट लेवल पे अप्रोच करना है पियानो लर्निंग को, पूरी गाइड बताऊंगा आज आपको। राइट, फर्स्ट स्टेप इज लर्निंग कॉर्ड्स। ये आपको लगा कि ये यही तो मेन प्रॉब्लम है, मतलब इसी पे तो हम प्रॉब्लम फेस करते हैं कॉर्ड्स पे, लेकिन डोंट वरी। देखिए, कॉर्ड्स के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे मतलब उसके भी आप कह सकते हो सेक्शंस होते हैं जिसमें हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, कॉर्ड्स का फॉर्मेशन सीखना है, कॉर्ड्स कैसे प्ले करते वो सीखना है। अगर वो डिटेल में सीखना चाहते हो तो हमने एक वीडियो बनाया, देखिए यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है, आपको बस चैनल पे जाना है और लिखना है हाउ टू प्ले ऑल कॉर्ड्स बाय पिक्सरेस, तो आपको वीडियोज मिल जाएंगे। राइट, तो नोट डाउन कर लीजिए पेन पेपर, क्योंकि आज मैं जो गाइड दूंगा वो आपको लिख लेना और उस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, और बहुत ही कम हफ्तों में आप पूरा सीख लोगे। फर्स्ट इज लर्निंग कॉर्ड्स। और देखिए, कॉर्ड को भी कैसे सीखना है, अगर आपने कोई कॉर्ड सीख लिया है तो उसको दोनों हाथों से प्ले कीजिए। राइट, दोनों हाथों से जब इसको प्ले करोगे तब असली कॉर्ड्स को सीख पाओगे। अब आपको लगे कि कॉर्ड्स तो एक हाथ में ही प्ले करना है तो दोनों हाथों में क्यों सीखूं, दोनों हाथों में सीखने का कारण एक ही है कि हम इससे हमारा कोऑर्डिनेशन डेवलप करेंगे। दोनों जब एक साथ छह नोट को प्ले करेंगे तो बहुत सारी कुछ चीजें आपको मतलब एक साथ ध्यान में रखनी होगी, छह नोट एक साथ, इसका मतलब ब्रेन को काफी एक्टिव रखना पड़ता है, फोकस्ड रखना पड़ता है, इसलिए ये हम सीखेंगे ताकि आपका ब्रेन एक्टिव और फोकस्ड रहे। राइट, तो दोनों हाथों से कॉर्ड्स को प्ले करना है, आपको प्रोग्रेशन फॉलो करना है, मतलब आपने सारे 24 कॉर्ड सीख लिए मेजर माइनर मिला के, इस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, फिर सी शार्प मेजर, सी शार्प माइनर, डी शार्प मेजर, डी शार्प माइनर, एफ शार्प मेजर, एफ शार्प माइनर, जी शार्प मेजर, जी शार्प माइनर, ए शार्प मेजर, ए शार्प माइनर। तो ये सारे कॉर्ड सीख लिए आपने, उसके बाद आपको प्रोग्रेशंस बनाने, मतलब ये जो 24 कॉर्ड है उसमें से कोई भी 6 कॉर्ड 7 कॉर्ड को नोट डाउन करना है। अब जब उन 6-7 कॉर्ड को नोट डाउन करोगे तो उन नोट डाउन उसको नोट डाउन करने के बाद आपको दोनों हाथों से उसके एक एक बात प्ले करना है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे नोट डाउन किया है ई जी एफ ए, ई जी एफ ए, तो आपको करना है ई जी एफ ए, रिदम में प्ले करना है। या फिर आप और एक चीज कर सकते हो, 24 कॉर्ड की लिस्ट आप किसी अपने रिलेटिव को दे दो, अपने बीवी बच्चों को दे दो। राइट, या फिर अपने रिलेटिव में जो भी घर पर रहता है आप उनको दे दीजिए 24 कॉर्ड, उनको बोले कि कोई भी कॉर्ड बोलो इसमें से, कोई भी 5-6 कॉर्ड बोलो, और उनके कॉर्ड बोलने के तुरंत ही आपको कॉर्ड को प्ले करना है। इससे क्या होगा कि आपको जब पता नहीं होगा कि कॉर्ड कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट कॉर्ड कौन सा वो बोलने वाला है, और उसके कुछ सेकंड में आप प्ले कर लेते हो तो सॉन्ग्स के साथ प्ले करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज लर्न कॉर्ड्स थरोली, एकदम अच्छे से कॉर्ड्स को पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। सेकंड स्टेप इन इंटरमीडिएट लेवल प्रैक्टिस इज लर्निंग कॉर्ड्स कोऑर्डिनेशन एंड शिफ्टिंग। राइट, अब जब आपने कॉर्ड्स को अच्छे से प्ले करना सीख लिया है तो सॉन्ग्स में हम अक्सर क्या गलती करते, मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमें पता है कौन से कॉर्ड प्ले करने, कहाँ पे प्ले करने वो भी हमें पता हो सकता है, लेकिन हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। मतलब कि अगर आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हो, देखो इस तरीके से, अब आपको पता है आपको यहां पे सी करना है, लेकिन आप इस तरीके से कर रहे हो, ये टाइम लग रहा है तो मजा नहीं आ रहा सॉन्ग सुनने में, इस तरह की गलती हो रही है। इसका मतलब हम क्या गलती कर रहे हैं, हम शिफ्टिंग को नहीं सीख रहे। तो फर्स्ट स्टेप कॉर्ड सीखने के बाद कॉर्ड्स की शिफ्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन सीखना है। उसके लिए मैंने बताया कुछ प्रोग्रेशन फॉलो कर सकते हो, वो यहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस होती है। राइट, जैसे कि राइट हैंड में आप लेफ्ट हैंड में आप कॉर्ड प्ले कीजिए और लेफ्ट हैंड में इस तरह की कुछ एक्सरसाइज कीजिए। या फिर आप एक और चीज कर सकते हो, स्केल्स के साथ कॉर्ड्स को प्ले कीजिए, जो स्केल प्ले कर रहे हो उसके साथ वो कॉर्ड आपको प्ले करना है, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव चीजें जब आप दोनों साथ साथ में करते हो दोनों हाथों में, तब आप कॉर्ड्स के शिफ्टिंग एंड कॉर्ड्स के कोऑर्डिनेशन को बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर लेते हो। नाउ थर्ड स्टेप इज कॉर्ड्स
विद सॉन्ग. कॉर्ड्स विद सॉन्ग एक ऐसा टॉपिक, ऐसी चीज जो कि हम सब करना चाहते हैं, लेकिन वो थर्ड स्टेप है. अक्सर हम क्या करते हैं, हम समझते हैं कि फर्स्ट स्टेप ही हमारा कॉर्ड्स विद सॉन्ग्स है. ऐसा नहीं है यार, फर्स्ट स्टेप में कॉर्ड्स को सीखे जो सही पहले, उसके कोऑर्डिनेशन को डेवलप तो कीजिए, उसके बाद आप सॉन्ग्स के ऊपर कर पाओगे ना. लेकिन हम गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट हम समझते हैं कि पहले सॉन्ग्स के साथ हम कॉर्ड्स को कर लेते, इसलिए हम प्ले नहीं कर पाते. राइट, हमें क्या करना है, कॉर्ड्स को सीखना है फर्स्ट स्टेप, कॉर्ड्स के शिफ्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन को सीखना है, उसके बाद कॉर्ड्स को सॉन्ग्स के साथ प्ले करना है. इसमें भी बहुत सब पार्ट्स है, ठीक है, बहुत सब पार्ट्स है. इससे मेरा मतलब ये है कि कॉर्ड्स में भी क्या करना होता है, पहले सिर्फ राइट हैंड को सीखना होता है, फिर एक कॉर्ड को प्ले करके उसकी टाइमिंग आइडेंटिफाई करनी होती है, फिर उसके बाद कॉर्ड्स की शिफ्टिंग करनी होती है. मतलब ये बहुत एक कॉर्ड्स का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है, और मुझे पता है इसमें अक्सर हम थोड़ी बहुत गलती करते हैं, हमें डायरेक्शन पता नहीं होता कि हमें क्या प्ले करना होता है. इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक कोर्स बनाया जिसका नाम है कॉर्ड्स मास्टरी कोर्स. ठीक है, कॉर्ड्स मास्टरी कोर्स मतलब कॉर्ड्स की सारी जानकारी, जैसा नाम है वैसा इसका काम है. ये एक ऐसा प्रोडक्ट हमने बनाया, मतलब वीडियो कोर्स है, मैं इसको प्रोडक्ट कहते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसने हजारों लोगों की ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. एक ने भी ऐसा नहीं कहा कि यार ये क्या बना दिया है, मतलब हमें इससे बेनिफिट नहीं हुआ. राइट, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही ऐसा है, 30-35 दिन में अगर आप कॉर्ड सब कुछ सीख पा रहे हो, कॉर्ड के कोऑर्डिनेशन को, तो फिर इंटरमीडिएट लेवल का आपने आधा पार्ट कंप्लीट कर लिया. और इसका प्राइस भी बहुत मामूली, 100-300 रुपीज फॉर लाइफ टाइम. इतना तो अगर आप क्लास में जाते हो 3-4 महीने 4-5 महीने सीखते हो तो आराम से 4-5 हज़ार 5-6 हज़ार हो जाता है, लेकिन वी आर जस्ट गिविंग यू एट 359 रुपीज. राइट, तो अगर सीखना चाहते हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम. इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. राइट, उधर वहां बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज भी, आप उन्हें भी पढ़ सकते हो और देख सकते हो. नाउ कम्स द फोर्थ स्टेप, विच इज लेफ्ट हैंड ट्रेनिंग. अब आपको क्या करना है, कॉर्ड्स अपने अच्छे से सॉन्ग्स के साथ प्ले कर लिए, अब आपको लेफ्ट हैंड की ट्रेनिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि अब स्टार्ट होगा हमारा आरपेजियोस का पार्ट. लेकिन आरपेजियोस कम्स अंडर एडवांस लर्निंग, लेकिन उसके पहले भी कुछ फाउंडेशन बिल्ड करना होता है ना आरपेजियोस का भी, तो हम करेंगे लेफ्ट हैंड ट्रेनिंग. अब लेफ्ट हैंड ट्रेनिंग में मैं आपको एक एक्सरसाइज बताता हूं जो कि आप फॉलो कर सकते हो. अगर लेफ्ट हैंड कर रहे हो तो आपको क्या करना है, मैं ये एक्सरसाइज बताता हूं, आप उसको फॉलो कीजिए. एफ से स्टार्ट करेंगे, फिंगर देखेंगे, फिर उस फिंगर को कोई भी व्हाइट की पे कोई भी रख देंगे, कहीं से भी फिंगर, और उससे फिर हम प्रैक्टिस करेंगे. फिंगर्स देखते हैं, 5-1-3-2-4-3-5-4 5-1-3-2-4-3-5-4 फिर आगे बढ़ेंगे, सेम नोट्स करने, सेम फिंगर्स फॉलो करने, सिर्फ एक नोट आगे बढ़ गए. मतलब समझ लीजिए कि जो आपने एफ से किया था वो आपको जी से करना है, फिर उसी को ए माइनर से करेंगे. देखिए ये गलती होती है, तो इसके मदद से आप लेफ्ट हैंड को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हो. इसको मेट्रोनोम पे करना है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको मेट्रोनोम पे करना है, क्योंकि मेट्रोनोम पे करेंगे तो रिदम में प्रैक्टिस होगी, और रिदम आरपेजियोस का बेस है. इसलिए आगे का सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम इस एक्सरसाइज को रिदम में प्ले करेंगे. सो अंडरस्टैंड, फर्स्ट स्टेप कॉर्ड्स, कॉर्ड्स एंड कोऑर्डिनेशन. कॉर्ड्स में क्या करना है, आपको शिफ्टिंग कीजिए, ये जो मैंने आपको बताया एक टेक्निक बताई कि अपने रिलेटिव अपने फैमिली मेंबर्स को लिस्ट दे दीजिए, वो प्रोनाउंस करेंगे, आप उसे प्ले करो. कॉर्ड शिफ्टिंग में आप प्रोग्रेशंस के खुद लिख के आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो, और या फिर आप राइट हैंड में कुछ एक्सरसाइज प्ले कर सकते हो, और लेफ्ट हैंड में कॉर्ड्स, स्केल्स की मैंने बात की, स्केल्स विद कॉर्ड्स. थर्ड स्टेप इज लर्निंग कॉर्ड्स विद सॉन्ग्स, वहां पे आप 10 सॉन्ग्स को कॉर्ड्स के साथ प्ले कीजिए, आपके कॉर्ड्स बहुत ज्यादा बेटर हो जाएंगे. वो खत्म होने के बाद आप लेफ्ट हैंड पे आइए. अब फिफ्थ स्टेप भी बचा है, वो मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूं, लेकिन पहले फोर्थ पे कंप्लीट करते हैं. लेफ्ट हैंड में ये एक्सरसाइज कीजिए, ऐसी हमने बहुत सारी एक्सरसाइज बनाई है, एक एक्सरसाइज का वीडियो हमने ऑलरेडी बना के रखा है, अभी रिसेंटली अपलोड किया है. राइट, तो हमारे चैनल पे जाके आप विजिट कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा लेफ्ट हैंड एक्सरसाइज का वीडियो. तो ये हो गया लेफ्ट हैंड का पार्ट. अब इसके बाद आता है टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन. ठीक है, फिफ्थ स्टेप जो कि इंटरमीडिएट लेवल को कंप्लीट करेगा, उसके बाद एडवांस लेवल स्टार्ट होगा, दैट इज टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन. अब टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन में हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट हैंड में कुछ अलग चीजें प्ले करनी है, एंड राइट हैंड में कुछ अलग चीजें को प्ले करनी है. इससे क्या होगा कि जब ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होगा, तब एक ऐसा कंडीशन क्रिएट होगा जहां पे आपको बहुत फोकस चाहिए होगा, एंड उस फोकस को अगर डेवलप कर लिया तो सॉन्ग्स एंड आरपेजियोस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे. इसके बाद डायरेक्ट आपको सिर्फ आरपेजियो पैटर्न्स एंड मतलब कुछ थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन सीखना रह जाएगा आपका एडवांस लेवल में भी, लेकिन इसको कंप्लीट करेंगे तब. तो ये जो टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन है, उसमें हमें क्या फॉलो करना है, ये जो आपने एक्सरसाइज की उसको चाहे आप दोनों हाथों से कर सकते हो इस तरीके से, स्केल्स को दोनों हाथों से प्ले कर सकते हो इस तरीके से. आप और एक चीज कर सकते हो, दोनों हाथों में अलग चीजें करनी है ना आपको, तो स्केल्स को उल्टे प्ले कीजिए, एक राइट हैंड में स्केल्स से आगे जाइए, लेफ्ट हैंड में स्केल्स में पीछे आइए,
इस तरीके से। अब डी स्केल है तो स्लोली जाएंगे, देखिए एकदम। ठीक है, और एक एग्जांपल ई का लेते, चलिए ई हम प्ले करेंगे। पहले देख लेते नोट्स कौन से कौन से। ओके गो। बहुत फोकस चाहिए होगा आपको, लेकिन हम कर रहे हैं ना, इसे तो कहते हैं टू हैंड्स कोऑर्डिनेशन। तो स्केल्स को उल्टे प्ले कीजिए, ठीक है। स्केल्स की अगर पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो हमने वेबसाइट पे ऑलरेडी अपलोड की है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, यू कैन चेक दैट आउट। ऑलराइट, तो ये आपको 5 स्टेप फॉलो करने हैं। अगर इसको अच्छे से कर लोगे तो फिर इंटरमीडिएट लेवल आप खत्म कर लोगे। उसके बाद यू हैव टू जस्ट मूव टू द आरपेजियोस एंड एडवांस्ड लेफ्ट हैंड पैटर्न्स, एंड आपको फिर एंजॉय करना है प्ले करते हुए, राइट। लेकिन ये इंटरमीडिएट स्टेज ऐसा है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें ही हम ज़्यादा गलती करते। तो ये 5 स्टेप्स को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। इनके स्टेप्स भी बताए मैंने आपको, इसके सॉल्यूशंस भी बताए। तो इसके बदले सिर्फ एक चीज़ कीजिए, आप वीडियो को लाइक कीजिए। और मैंने जैसे बताया कि कॉर्ड्स को अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो, क्योंकि ये इंटरमीडिएट लेवल का 70% कवर करता है, तो यू कैन एनरोल इन अवर कोर्स, जहाँ से आप कॉर्ड्स को बहुत अच्छे से सीख पाओगे, राइट। ओनली एट 359 rupees विद अ 7 days रिफंड पॉलिसी विद एन एक्सक्लूसिव कम्युनिटी। मतलब कि ऐसा एक्सपीरियंस पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं देगा। ये लिख के ले लीजिए, पूरे इतना बढ़िया, इतना खतरनाक एक्सपीरियंस, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस आपको पूरे इंडिया में कोई नहीं देगा, राइट। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, ऐसे ही नए नए वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।